अ वंडरफुल ट्रिप टू हरिद्वार। आइए शुरू करते हैं। तो पहले तो हमने रूट मैप देखा कि हमें जाना कैसे है, फ्रॉम रायपुर उत्तर प्रदेश नोएडा सेक्टर 126 टू कश्मीरी गेट ISBT, जहाँ से हम बस पकड़ेंगे। मेट्रो से हमें टोटल 16 किलोमीटर ट्रैवल करनी थी। तो पहले तो हमें ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो से बोटनिकल जाना था, देन बोटनिकल से ब्लू लाइन पकड़ के मंडी हाउस, देन फिर मंडी हाउस से हमें वायलेट लाइन की ओर शिफ्ट होनी थी, जो कि हमें कश्मीरी गेट तक छोड़ती। सो गाइस, हम फाइनली पहुंच गए ओखला बर्ड सेंचुरी, जहां हमने 50 रुपये की टिकट ली। हम 2 जना थे, इसलिए हमें 100 रुपये पे करना पड़ा। सो फाइनली हम पहुंच चुके थे कश्मीरी गेट। अब हम एग्ज़िट की तरफ जा रहे थे, गेट नंबर 7, जहां से हमें कश्मीरी गेट ISBT के लिए एंट्री मिलती। हम टोटल 4 जना थे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक मैं और 3 ये लोग। सो अब हम एग्ज़िट ढूंढ रहे हैं, किधर से हमें एग्ज़िट करना है, गेट नंबर 7 की ओर, जिससे कि हम कश्मीरी गेट ISBT में जल्द से जल्द इंटर हो जाएं। तो इधर सामने दिख रहा होगा आपको, गेट नंबर 7 की तरफ एग्ज़िट है, देन हमने लेफ़्ट लिया। एक और चीज़ गाइस बहुत इम्पोर्टेंट है, कश्मीरी गेट बस स्टैंड के अंदर कोई खाने पीने की हेल्दी चीज़ नहीं मिलेगी, सारी वहाँ पे बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें मिलती है। सो बेटर ऑप्शन यही है कि आप मेट्रो स्टेशन के अंदर ही फूड कोर्ट्स में खा लो। और ये हम जा रहे हैं एग्ज़िट की साइड, आ गया एग्ज़िट। सो हमने एग्ज़िट कर लिया, अब हम आ गए हैं कश्मीरी गेट बस अड्डा। यहाँ पे हमने खीरा लिया क्योंकि हम मॉर्निंग से भूखे थे। एंड देन हमने एंट्री गेट की तरफ जाना शुरू कर दिया। यहाँ पे सिक्योरिटी थोड़ी हाई रहती है बिकॉज़ ऑफ ये दिल्ली का बहुत बड़ा बस स्टैंड है। सो यहाँ पे बुक्स वगैरह की भी दुकानें हैं, यहाँ के एस्केलेटर्स जनरली नहीं चलती है। सो गाइस, फाइनली हमें बस मिल चुकी थी। बस जो है आपको प्लेटफॉर्म नंबर 13 से मिलेगी फॉर उत्तराखंड, और अब बस खुल चुकी थी हरिद्वार के लिए। ये सारी बसेस ऋषिकेश की तरफ जाती है हरिद्वार होकर के। सो इसका फेयर है कश्मीरी गेट टू हरिद्वार इस 360 अप्रॉक्स। हमने बस में बहुत मज़े किए, ऑफिस से आके मैं थक भी बहुत गया था तो मुझे नींद आ रही थी बहुत, पर हमारे साथ जो 3 जना थे वो बहुत इंजॉय कर रहे थे ट्रिप को और मैं सो रहा था। स्ट्रगल है पानी पीना ये रोडवेज में। और ये बस की लाइट बंद हो चुकी है, ये भानु भैया है, मनोज भैया। फाइनली 2 घंटे के बाद बस रुकती है एक ढाबा पे, जहाँ पे हम थोड़े बहुत खाना वगैरह खाते हैं बिकॉज हमने रात का डिनर नहीं किया था। तो यहाँ पे हम डिनर किया, पराठा वगैरह खाए, देन फिर थोड़ी मस्ती भी की यहाँ पे। जब आप रोडवेज से ट्रैवल करें तो कृपया कर ढाबा में खाना ना खाने का ट्राई करें, बिकॉज उस ढाबे का खाना बहुत ही गंदा था। अब हमारी बस खुलने वाली थी, तो अब हमें जाना था बस की ओर और बैठ जाना था, फिर ये बस खुल जाती। हम हरिद्वार 2:30 बजे रात को पहुंच गए थे। देन फिर हमने डिसाइड किया कि हम पैदल ही घर की पौड़ी घाट की तरफ जाएंगे, बिकॉज़ हमें टाइम भी काटना था, होटल भी नहीं लेने थे। सो हम चल पड़े हैं घर की पौड़ी घाट की तरफ, जो कि अप्रॉक्स 2 किलोमीटर 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है बस स्टैंड से। हरिद्वार गंगा आरती का समय 5 बजे है, सो हम पैदल ही जा रहे थे, समय कट जाता। सो फाइनली हम पहुंच चुके थे हर की पौड़ी घाट की तरफ। अब हम यहां से मेन घाट जहां पे स्नान आदि होती है वहां पे जाएंगे। बहुत ही सुंदर नज़ारा था रात का, बहुत से लोग यहीं पूल वगैरह पे सोए थे। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइस कि यहाँ पे वॉशरूम after 5 ही खुलता है, और इससे पहले आपको कहीं वॉशरूम नहीं मिलेगा। सो बेटर ऑप्शन यही है कि फ्रेश वगैरह होना तो आप हरिद्वार बस स्टैंड पे ही हो लें। सो अब हम जा रहे हैं हर की पौड़ी घाट की तरफ। बहुत ही सुंदर नज़ारा था रात का, और हमें यहाँ पे स्नान आदि करके आरती के लिए रेडी होना था। यहाँ पे बहुत से लोग नहा भी रहे थे,
और यहाँ पूरी रात स्नान आदि होते रहती है, तो आप आपको टेंशन नहीं लेना है। आप रात को कभी भी आओ, आराम से आके घाट पे बैठ सकते हो, ठंडी ठंडी हवाओं के मज़ा ले सकते हो। देन फिर आरती शुरू हो गई, हमने आरती देखी, बहुत ही भव्य और प्यारी आरती थी। जो दिल्ली नोएडा आसपास में रहते हैं उन्हें तो ज़रूर ही आना चाहिए हरिद्वार, क्योंकि यहाँ की हवा भी बहुत अच्छी है। सो बहुत ही प्यारी आरती हो रही थी, हमने इस आरती को देखने का सौभाग्य पाया, ये ही बहुत बड़ी बात है। अभी गंगा नदी का जलस्तर बहुत नीचे हो गया है, पहले हम जब आए थे तो यहाँ पे कोई पत्थर वगैरह नहीं दिखती थी, पर यहाँ पे अभी क्लियर दिख रही है। अब हम फाइनली मनसा देवी की तरफ जाएंगे, मनसा देवी मंदिर जो कि पहाड़ों पे है। यहाँ बारिश भी हुई थी तो यहाँ फिसलन भी काफ़ी थी, पर हम बहुत से लोगों का मानना है कि इस मंदिर में आके अपनी मनोकामना पूरी होती है, तो हम भी इस मंदिर में आए, दर्शन किया और फिर हम वापस दिल्ली की ओर निकल गए। दिल्ली की ओर जाने के लिए हरिद्वार से हर 10 से 15 मिनट बस है, उत्तराखंड परिवहन की हरियाणा रोडवेज। हम काफ़ी थक गए थे सो हम पूरी रास्ते सोते हुए, और जब हम गाज़ियाबाद पहुँचे तो यहाँ का हालत बहुत बिगड़ा हुआ था, यहाँ पे काफ़ी बारिश हुई थी जिस वजह से जल जमाव काफ़ी हो गया था, तो हमें बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा अपने घर आने के लिए। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।